विवाह के तत्पश्चात तो धर्म यही है, नारी पूर्ण रूप से अपने पति को चाहे और पति भी पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के लिए जगह दे। कल 7 वचनों में वही तो था। एक नारी कहती है कि मेरे होते हुए आपके जीवन में कोई दूसरी स्त्री मेरा स्थान नहीं बना सकती, मेरी जगह नहीं ले सकती, तो वह इस बात के लिए हाँ करता है। इस ग्रंथ में तो एक बात और लिखी है, इसमें ये लिखा है कि मान लिया जाए किसी की पत्नी मृत्यु स्थिति को प्राप्त हो जाए, उसकी मौत हो गई, तो उसको दूसरा विवाह करने का अधिकार है। जो मैंने ग्रंथ में पढ़ा उसमें क्या लिखा है, ये दूसरा विवाह उसका हो रहा है, पत्नी का जो पहले नाम था दूसरी पत्नी का वह आदमी वही नाम रख दे, उस पत्नी में अपनी पहली पत्नी की छवि देखे, ऐसा वर्णन किया उसे, नाम भी बदल दे, जो पहली पत्नी का जो नाम था उसे उस नाम से बुलाए, और वो दूसरी पत्नी है उसको उसमें बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्यों ग्रंथों में लिखा है मान लिया जाए पहली उस स्त्री के कुछ बच्चे हैं और दूसरी गृहिणी आई है, उसने उसका लालन पालन किया है, तो हजारों हजारों यज्ञों से बढ़कर के उसने उसका पुण्य कमा लिया है। नारी के लिए पति से बढ़कर के उसके जीवन में कोई नहीं है। माता अनुसुईया ने कहा मन वचन और कर्म से नारी का यह धर्म है, उसकी दृष्टि में अपने पति के अलावा कोई दूसरा पुरुष आकर के नहीं बैठ सकता। ऐसी देवियों की कोख से ईश्वर भी संतान बनकर के आकर के प्रकट हो जाता है। देखो गोस्वामी जी के लिए माता कौशल्या के लिए गोस्वामी जी ने कितनी सुंदर दोहावली डाली है, कितना सुंदर दोहा है, कौशल्या दीनारी प्रिय सब आचरण पुनीत। नारी के अंदर जितना चरित्र, जितने संस्कार, जितने सद्गुण होते हैं वो सब माता कौशल्या के अंदर है, तभी तो निर्गुण अविनाशी इस माता का उदरवासी आकर के बन गया। ये संसार की वासना खाज खुजली की तरह है और मानवता इसी में है कि स्त्री पुरुष को इन संसार के कुकर्मों से बचने का पूरा प्रयास ही नहीं, 24 घंटे उसको सावधान रहना चाहिए। राम जी की कथा क्यों सुनते हैं, नारी के जीवन में 100-100 बार रावण आएंगे और पुरुष के जीवन में हजारों हजारों बार सुपर्णखा चल के आएगी, तो नारी इन अधर्मियों से कैसे बचे, वो जानकी का चरित्र पढ़ ले और पुरुष सुपर्णखा जैसी बजारू स्त्रियों से कैसे बचे, वह प्रभु श्री राम का चरित्र पढ़ लिया।